और ये सारे मुरादाबाद के मेंबर हैं। और फर्स्ट डे का आज जो यहाँ पे एसोसिएशन का उद्घाटन हुआ है, फर्स्ट डे का जो गेम है मुरादाबाद का इंटरनेशनल से लड़ रहा है, ये सारे मेंबर हैं। जाबिर भाई ये रहे कैप्टन, क्या कहना है? बहुत बढ़िया मैदान है, मैदान बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अच्छी बात है कि उद्घाटन भी हमसे ही हुआ है, हमसे ही हुआ। ये सारे प्लेयर हैं। तो जाबिर भाई वो नाम बता दीजिए कम से कम, उद्घाटन में लोग यही देख लेंगे टीम आई थी मुरादाबाद की। क्लब का नाम क्या है? नौशाद भाई है। क्लब का नाम पहले बताइए आप। सुपर स्टार का सुपर स्टार। ओके, ये हमारे नौशाद भाई। नौशाद भाई। ये हमारे आशु भाई है। आशु भाई। ये हमारे दिलशाद भाई। दिलशाद भाई। ये हमारे नुमान भाई है भाई। और ये हमारे सोनी भाई। सोनी भाई जी। पीछे वो हमारे अदनान भाई। अदनान भाई। अदनान भाई स्कोरिंग कर रहे हैं। अदनान भाई कौन करना सबसे ज्यादा? अच्छा अच्छा, लड़ाते कम है स्कोरिंग के लिए, मतलब पढ़े लिखे हैं ये सब। सब में पढ़े लिखे हैं ये? नहीं, पढ़े लिखे सब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लेकिन ये भाई आगे एक और पतंग, जाबिर भाई ये आगे एक और जो पतंग लड़ा रहे हैं, दानिश भाई ऊपर का गद्दा बनाते हुए। तो ये सारे मेंबर, फर्स्ट डे का गेम है, बहुत बढ़िया गेम लड़ रहा है इंटरनेशनल लखनऊ से। ऊपर से रिजवान भाई इंटरनेशनल के, और अपोजिट में मुरादाबाद के मेंबर रोके हुए हैं। रोक के बाहर की तब जैसे ही खींचा निकलता हो गद्दा मारा, और रिजवान भाई ने काट के अपना एक पेच पूरा कर लिया है। और 3:30 बजे कवर कर रहे हैं क्योंकि आज इनॉग्रेशन भी था नई एसोसिएशन का, आइडल काइट एसोसिएशन का, जो कि आप वीडियो पहले ही देख चुके हैं। गेम काफ़ी बाद में आला आया है तो नाम नहीं पता, लेकिन सारे प्लेयर जिनसे हम आपको मिलवा चुके हैं पहले ही। और ये रहे रिजवान भाई, अभी एक पेज ऊपर से काटा है। तो कुछ पेज हैं, लगातार हम पेज कवर करते हैं इंटरनेशनल वर्सेज सुपरस्टार मुरादाबाद के बीच के। तो सुपरस्टार मुरादाबाद के ये मेंबर लड़ा रहे हैं, और इंट्रोडक्शन में नाम मैंने बता दिए थे। तो नीचे से जगह लेते हुए रिजवान भाई अपने दूसरे पेज के लिए इंटरनेशनल, और ऊपर से सुपरस्टार मुरादाबाद के मेंबर मुद्दा रखते हुए सही की आवाज़ दे दी। पेज सही हो गया है, थोड़ी सी पतंग रिजवान भाई की बढ़ है, जगह लेते जा रहे हैं। बीचों बीच में अपनी पतंग का मुद्दा उतारते हुए मुरादाबाद के मेंबर, और जो भी मेंबर है मैं उनको पहले दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि सबके नाम याद नहीं हुए और गेम ये जो है ये शुरू से नहीं बना है, इस वजह से बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए थोड़ा सा कम करते जा रहे हैं, और अंदर के मुड्ढे पे पतंग उतारते जा रहे हैं। रिजवान भाई की पतंग कम से कम 50 मीटर बढ़ है, पतंग काफ़ी ज़्यादा बाहर की है, गद्दा बना रहे तो अंदर की तरफ घूम के आ रही है, निकलता मुड्ढा बनाया करीब करके रुके। रिजवान भाई भी रोके हुए हैं, काफ़ी नीचे पे जा गया, बाहर का मुड्ढा पहल करके बनाया खींचा, लेकिन उस पर उतरे नहीं मुरादाबाद के मेंबर। फिर से दोनों लोग पतंग को लंबे करते हुए धीरे धीरे अपनी पतंग को बाहर निकाल रहे हैं। रिजवान भाई काफ़ी रेंज कम हो गई है, बाहर की तरफ निकाल के ला रहे हैं और दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो पेज आपने देखा फ्रेंड्स, और थोड़ा कम करके उतार के लड़ा रहे थे, तो रिजवान भाई ने आगे की तरफ बुला लिया है, और ये हमारे मुरादाबाद के मेंबर हैं। थोड़ा सा लंबे करते हुए डोर को अपनी सुलझाते हुए आप नीचे से आके लड़ाएंगे, और तीसरा पेज, सॉरी फ्रेंड्स गलत हो गया, तीसरा पेज है रिजवान भाई का, जो कि ऊपर से लड़ाएंगे कंटिन्यू करेंगे। और ये भाई हमारे खड़े हैं, अब जाएंगे नीचे से लड़ाएंगे। क्या कर रहे थे रिजवान भाई? यूट्यूबर ठीक नहीं है, पेजों को याद नहीं रख पाता है, उम्र हो रही, उम्र सब आदमी भूलता रहता है ना, उम्र ज्यादा हो, कम बताता है, कम बताता है, नहले में 8 बताए, सत्ते में 6 बताए। तो ये रहे हमारे भाई, जा रहे हैं मुरादाबाद के लिए, अब नीचे से लड़ाएंगे अपना अगला पेज। तो नीचे से पहुंच गए हैं मुरादाबाद के मेंबर, और ऊपर से कंटिन्यू कर रहे हैं अपना तीसरा पेज रिजवान भाई इंटरनेशनल लखनऊ के मेंबर। देखते हैं अब की बार कौन काटेगा। बुला लिया है नीचे से, पतंग भी थोड़ी सी बाहर की है, जगह लेते जा रहे हैं, पतंग को ऊँचा करते जा रहे हैं मुरादाबाद के मेंबर। सुपरस्टार काइट क्लब है मुरादाबाद का, लेकिन सिर्फ 1.5 घंटे के ये पेज हैं जो आप देख रहे हैं। सही की आवाज़ दी, पेज सही हो गया, बीच में अपनी पतंग को बनाए हैं, थोड़ा सा बढ़ करके लड़ा रहे हैं रिजवान भाई, अंदर के मुड्ढे पे पतंग को उतारते हुए जगह लेते जा रहे हैं, टेढ़ा करा रहे हैं। रेंज कम है, धुंध का मौसम है, हवा भी कम है, ताका से खड़ा मुड्ढा खींचा, निकलता हुआ हमारा पतंग सीधी हो रही है रिजवान भाई को, बाहर की तरफ पतंग जा रही थी, ताका से पूरा गद्दा मार के ये पेज काट दिया, और 3 पेज अपने पूरे कर लिए रिजवान भाई ने इंटरनेशनल लखनऊ के लिए। अब देखते हैं फिर से नीचे आके लड़ाएंगे या ऊपर से ही कंटिन्यू करेंगे बाकी पेज। और ये खड़े हुए हैं भाई, अभी कुछ बोल नहीं रहे, और इधर ये सारे मेंबर हैं मुरादाबाद के, देखते हैं कौन से मेंबर आगे बढ़ेंगे। तो मुरादाबाद के सुपरस्टार के ये मेंबर जा रहे हैं नीचे सड़ाने के लिए, और रिजवान भाई अपना ऊपर सड़ाएंगे चौथा पेज। तो देखते हैं अब की बार कौन काटेगा, क्या रोक पाते हैं कि नहीं सुपरस्टार मुरादाबाद के मेंबर रिजवान भाई को चौथे पेज पे। नीचे से जगह लेते हुए मुरादाबाद के मेंबर, और ऊपर से अपना चौथा पेज लड़ाते हुए रिजवान भाई इंटरनेशनल के लिए, पतंग को बढ़ करके लड़ा रहे हैं, थोड़ी सी पतंग बढ़ है, पेज अभी सही नहीं हुआ है, अपनी पतंग की रेंज थोड़ी सी और निकाल लें रिजवान भाई। ऊपर से अंदर तक मुड्ढा रखा, सही की आवाज़ दी, पेज सही हो गया, थोड़ी सी पतंग कम है मुरादाबाद के मेंबर की, पतंग को काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा दे रहे हैं, बीच में अपनी पतंग को रिजवान भाई उतारते हुए,
हवा थोड़ी सी राइट हैंड की तरफ दबी है जिधर सुपरस्टार मुरादाबाद का क्लब है। सीधा का दबना है, पतंग अंदर तवारी भारी दब खींचा, दोनों पतंगे पट की तरफ जा रही, दोनों ताकत से खींचते हुए और फिर से अंदर के मुड्ढे पे ताकत बनाते हुए रिजवान भाई ने ये पेज काट दिया और चार पेज अपने पूरे कर लिए इंटरनेशनल लखनऊ के लिए। तो फिर से बुला लिया है रिजवान भाई ने नीचे से सुपरस्टार मुरादाबाद के मेंबर और नौमान भाई हैं ये हमारे नीचे के पेज के लिए बढ़ते हुए। तो देखते हैं अब की बार रोक पाते हैं कि नहीं पांचवें पेज पे रिजवान भाई को। हवा कम है लेकिन दोनों ही लोग पतंग को थोड़ा सा लंबे करते हुए नीचे से नौमान भाई पहुँच गए हैं सुपरस्टार मुरादाबाद के लिए और अपनी पतंग को थोड़ा और बढ़ करना चाहते हैं लेकिन हवा की वजह से पतंग बढ़ नहीं हो रही है। जगह लेते हुए नीचे से नौमान सुपरस्टार मुरादाबाद के लिए, ऊपर से रिजवान भाई अपने पतंग का मुड्ढा रखते हुए पांचवा पेज इंटरनेशनल लखनऊ के लिए। थोड़ी सी पतंग अभी भी बढ़ है रिजवान भाई की, नीचे से जगह लेते आ रहे हैं और राइट हैंड की तरफ हवा दबती जा रही है जिधर सुपरस्टार काइट क्लब मुरादाबाद है। ताकत से जगह लेते हुए पतंग कम होती जा रही है, रिजवान भाई अपनी पतंग को उसी जगह पर रोके हैं। सही की आवाज़ दी, पेज सही, बीच में अपनी पतंग को बनाए हुए हैं रिजवान भाई और थोड़ा सा पहल करके अंदर का ही गद्दा मार रहे हैं। अब की बार देखते हैं क्या करेंगे, पतंग को रोके हुए हैं बीच में एकदम पतंग को उतारते हुए धीरे धीरे पतंग को रोके हुए हैं नौमान भाई भी, दोनों लोग पतंग को करीब करके रोके हैं और चलाते जाते थोड़ी सी रेंज भी कम हो रही है। फिर भी अभी 250 मीटर की रेंज में करीब करीब पतंगें लड़ रही है। निकलता हूँ आपकी बार रिजवान भाई ने उसी को ताकत से मारते हुए नौमान रुके हैं, रुक के पट की तरफ ताकत से खींचा, दोनों लोग खींचते और बढ़िया पेज अब की बार ये नौमान ने काट दिया और रोक लिया पाँचवें पेज पर रिजवान भाई को। एक पेज अपना पूरा कर लिया है नौमान ने सुपरस्टार मुरादाबाद के लिए। ऊपर से उस्ताद, नीचे से सुपरस्टार के कैप्टन जाविर भाई, भारी पतंग उस्ताद अपनी लड़ाते हुए धीरे धीरे मुड्ढा रखते हुए गर्दन के पास। हवा बहुत कम है, रेंज भी इसीलिए बहुत ज़्यादा कम है। गर्दन के पास पतंग बनाया, अंदर की तरफ दिखाया और जैसे ही बाहर की तरफ खींचा ये पेज कट गए कैप्टन सुपरस्टार मुरादाबाद के जाविर भाई। दो पेज अपने पूरे कर लिए हैं उस्ताद ने इंटरनेशनल लखनऊ के लिए और आगे की तरफ बुला रहे हैं सभी मेंबर को। तो नीचे से ये मेंबर पहुंच गए हैं सुपरस्टार मुरादाबाद के लिए और ऊपर से उस्ताद का होगा पांचवा पेज। तो देखते हैं अब की बार क्या पांचवा पेज उस्ताद पूरा कर पाते हैं कि नहीं। 200-250 मीटर की रेंज में धुंध का मौसम है, कम हवा में पतंग लड़ रही है परदेसी। नीचे से अपनी भारी पतंग को लेके आए हैं मुरादाबाद के मेंबर भी, अपनी पतंग का मुड्ढा ऊपर से उतारते चक्रगिन्नी पतंग बाहर की तरफ डबल करते हुए तेज झटके मारे और ये देखिए पेज काट दिया लेकिन सेम मुड्ढे पे पतंग चली गई उस्ताद की भी, तो पेज ये बराबर हो जाएगा लेकिन बढ़िया खूबसूरत पेज काटा था। इंटरनेशनल के सारे मेंबर ऊपर लड़ा रहे हैं और ये हमारे भाई नीचे के पेज के लिए बढ़ते हुए ठुंकिया मारते हुए सुपरस्टार मुरादाबाद के, ये देखिए। और ऊपर से अब की बार सैफ भाई हैं, सैफ भाई लड़ाएंगे ऊपर का पेज। सारे मेंबर इंटरनेशनल के ऊपर से लड़ा रहे हैं और नीचे से बुला रहे हैं मुरादाबाद के मेंबर को। ये रानीज भाई पतंग को तैयार करते हुए, दिलशाद भाई, इधर इंटरनेशनल की पूरी टीम बैठी हुई है, डॉक्टर साहब हैं, रिजवान भाई हैं, त्रिपाठी जी हैं, बिलाल भाई हैं, उस्ताद सरवर जमाल हैं, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी स्पेक्टेटर भी हैं। और आज ही के दिन ये इनॉग्रेशन हुआ था आइडियल काइट फ्लाइंग एसोसिएशन का, तो इसको कवर करा है, इस वजह से सिर्फ आपको इस गेम में ज़्यादा से ज़्यादा पेज दिखा रहे हैं। और ये रही मुरादाबाद सुपरस्टार मुरादाबाद की टीम, ये रहे सारे मेंबर उसके, देखिए सब मेंबर हैं, सात आठ मेंबर हैं, सभी पतंग को तैयार करते हुए। और ये रहे नौमान भाई जिन्होंने रोका था रिजवान भाई को पाँचवें पेज पर। तो ऊपर से साहब भाई और नीचे से सुपरस्टार मुरादाबाद के मेंबर जगह लेते हुए देखते हैं अब की बार कौन काटेगा। सही की आवाज़ हो गई, नीचे से अपनी पतंग को ऊंचा करते जा रहे हैं, अंदर के मुड्ढे पे पतंग को उतारते हैं और ज़्यादा ऊपर से अंदर की तरफ जगह ले रहे हैं और रेंज होगी मुश्किल से 150 मीटर। हवा बहुत कम है लेकिन परदेसी टीम है, शौक करना ही है, तो किसी तरह से बस पतंग को लंबे करके लड़ाया जा रहा है दोनों के बीच में। रेंज बहुत ज़्यादा कम हो गई इसलिए पतंगें आपको इतनी बड़ी बड़ी और साफ साफ दिख रही हैं। नीचे से जगह लेते जा रहे हैं अभी भी मुरादाबाद के मेंबर, काफ़ी ज़्यादा रेंज को कम करा लिया है और पीछे बढ़ जाते हैं वरना हो सकता है आपको एक पतंग खींचने पे ना दिखे। धीरे धीरे अपनी पतंग को उतारते हुए साहब भाई बाहर का मुड्ढा बनाया मुरादाबाद के मेंबर ने, क्रॉस मुड्ढा बनाया, रोका, रोके, फिर से मुड्ढा बनाया, भाग तुरंत खींचा और साहब भाई ये कट गए। तो काफ़ी करीब करके रेंज कम थी, तुरंत काट काट हो गई और एक पेज अपना पूरा कर लिया है सुपरस्टार मुरादाबाद के मेंबर ने। ये भाई हमारे खड़े हैं जिन्होंने पेज काटा, ये देखिए इन्होंने काटा। तो इंटरनेशनल के लिए ऊपर का पे लड़ाएंगे बनीस भाई और नीचे से अपना दूसरा पे लड़ा रहे हैं सुपरस्टार मुरादाबाद के मेंबर। चलते हैं पेज पे, रेंज बहुत कम है, अब की बार देखते हैं कैसा पेज होगा। नीचे से जगह लेते हुए सुपरस्टार मुरादाबाद के मेंबर, ऊपर से मुड्ढा रखते हुए अनीस इंटरनेशनल लखनऊ के मेंबर। दूसरा पेज है मुरादाबाद के लिए,
पतंग सीधा मुद्दा उतारा, रुक के निकलता मुद्दा बनाया, उसी को मारते हुए डबल होती है थोड़ी सी पतंग, भाग तब खींचा सलग और ये पेज काट के अपने दो पेज पूरे कर लिए हैं सुपरस्टार मुरादाबाद के मेंबर ने। नीचे से फिर से एक बार मुरादाबाद के मेंबर, रेंज बहुत ज़्यादा कम है इस वजह से दोनों पतंगे नहीं आ पा रही हैं, थोड़ा सा बाहर निकालेंगे दोनों पतंगे, देखेंगे सीधा गद्दा अंदर की तरफ हाथ पे उतारा, और देखिए आगे आपको मेंबर भी दिख रहे हैं मुरादाबाद के, बाहर की तरफ खींचा लेकिन कोई काट काट नहीं हुई, काफ़ी कम रेंज में पतंग लड़ रही है। साहब भाई लड़ा रहे थे लेकिन पतंग अपने हाथ में रिजवान भाई ने ले ली है, और नीचे से तीसरा पेज लड़ा रहे हैं सुपरस्टार मुरादाबाद के मेंबर। रेंज वही है 150 के करीब करीब, जो हवा थी वो भी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। लोकल गेम होता तो अभी तक गेम उम्मीद है कि बंद कर दिया जाता, लेकिन परदेसी है इसलिए पतंगें लड़ाई जा रही हैं। ऊपर से रिजवान भाई अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए नीचे से टेढ़ा करा के जगह ले रहे हैं मुरादाबाद के मेंबर। सही की आवाज़ दी, पेज सही हो गया है, ऊपर से अंदर की तरफ जगह लेते हुए रिजवान भाई बीच में अपनी पतंग को बनाया, टेढ़ा करा के जगह लेते जा रहे हैं सुपरस्टार मुरादाबाद के मेंबर भी, और ज़्यादा जगह लेते हुए सीधा गद्दा बनाया रिजवान भाई ने, रोका रोक के अंदर की तरफ पहल करके मारा लेकिन बाहर की तरफ क्रॉस खींचते हुए ये पेज काट दिया, तीन पेज अपने पूरे कर लिए हैं सुपरस्टार मुरादाबाद के लिए हमारे ये भाई ने। और नाम हम इनसे पूछ लेते हैं, भाई नाम क्या है इनका जो लड़ा? आशु भाई। आशु भाई, ये आशु भाई हैं जिन्होंने तीन पेज काट दिए अपने। नीचे से आशु अपना चौथा पेज लड़ाते हुए सुपरस्टार मुरादाबाद के लिए, ऊपर से आ गए सैफ रोकने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल के लिए, चढ़ा के मुंडा दिया सीधा गद्दा ताकत से मारा, और जैसी अब की बात थोड़ी सी ताकत बनाई पहल करके जो गद्दा मारा उससे आशु भाई ये पेज कट गए, तो रोक लिया चौथे पेज पे साहब भाई ने, और एक पेज अपना पूरा कर लिया इंटरनेशनल लखनऊ के लिए। तो साहब ने एक पेज काटा इंटरनेशनल के लिए और फिर से बुला लिया है सुपरस्टार मुरादाबाद के मेंबर को नीचे से, और हमारे ये भाई पहुंच गए हैं थोड़ा सा पेड़ की आड़ में है जगह बनाते हुए, और ऊपर से अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए थोड़ी सी पतंग की रेंज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हवा धीरे धीरे जैसी शाम हो रही है कम होती जा रही है, 4 बज रहा है, जगह लेते आ रहे हैं सही की आवाज़ दी, बीच में अपनी पतंग को बनाया साहब, नीचे से थोड़ा सा जगह लेते हुए बीच में अपनी पतंग को बनाया, चक्कर ऊपर रोके हैं, पतंग कम होती जा रही है, आगे की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ते हुए सैफ पतंग को चमकाते हुए मुरादाबाद के मेंबर पतंग को चलाते हुए अंदर के मुट्ठे पे पतंग को बना रहे हैं, निकलता हूँ मुड्ढा बना, भाग तब खींचा मुरादाबाद के मेंबर ने, रोके अंदर की तरफ सैफ ने भी खींचा, कोई काट काट नहीं, फिर से ने बाहर का मुड्ढा बनाया चक्कर पर रखा हुआ था, और जैसे ही बाहर का मुड्ढा बनाया सैफ भाई ये कट गए, तो बढ़िया पेज काट दिया और एक पेज अपना पूरा कर लिया सुपरस्टार मुरादाबाद के मेंबर ने। तो नौमान भाई ने पेज काटा था और नौमान भाई ने अपनी पतंग जाबिर भाई को दे दी कैप्टन सुपरस्टार के, और नौमान भाई पीछे आके फिर से अपनी पतंग बनाते हुए, और चांस ऊपर की मिली है लड़ाने के लिए अब की बार दिलशाद भाई को, और शहजान भाई चरखी दिखाते हुए चलते हैं पेज पे, देखते हैं अब की बार कौन काटेगा, और ये जगह लेते हुए कैप्टन साहब ऊपर से निकलता हूँ मुंडा दिलशाद भाई ने बनाया इंटरनेशनल की, उसी को ताकत से मारते हुए करीब करके रुके रुके अंदर की तरफ मुंडा बनाया, उसी को ताकत से मारते हुए पतंग काफ़ी नीचे, देखिए पेड़ों के पीछे पतंगे काफ़ी कम रेंज और ज़मीनों में पतंगे एकदम लड़ रही हैं, कोई काट काट नहीं हुई, काफ़ी नीचे ज़मीन में गद्दा मार के पतंग को उठा लिया दोनों लोग, और कैंसिल की आवाज़ हो गई है। तो फिर से एक बार दिलशाद भाई ऊपर का पेड़ लड़ाते हुए, और नीचे से कैप्टन सुपरस्टार मुरादाबाद के बीच में अपनी पतंग को बनाए हुए हैं, रोके हुए चक्कर पर अपनी पतंग को ऊंचा करते जा रहे हैं कैप्टन, सीधा गद्दा बनाया अंदर की तरफ पतंग आ रही है ताकत से खींचते हुए, बाहर की तरफ खींचा और ये पेज काट दिया है सुपरस्टार मुरादाबाद के मेंबर ने, और एक पेज अपना पूरा कर लिया मुरादाबाद के लिए। नीचे से सैफ अपना चौथा पेज लड़ा रहे हैं इंटरनेशनल लखनऊ के लिए, और ऊपर से आ गए हैं कैप्टन सुपरस्टार मुरादाबाद के, हवा बिल्कुल चली गई है लेकिन बस किसी तरह से एक एक पेज लड़ा लिया जा रहा है, और देखते हैं अब पतंग को लंबे कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी सी लंबे हो जाए पेज लड़ा लिया जाए सुपरस्टार मुरादाबाद की ओर से, चौथा पेज होगा सैफ के लिए, और ये देखिए अभी भी मुरादाबाद की ओर से पतंग को लंबे करा जा रहा है, लेकिन हवा आज पूरा दिन हो गया आई नहीं, परदेसी का गेम था बढ़िया इंटरनेशनल वर्सेस मुरादाबाद हो नहीं पाया अच्छे से। ऊपर से मुड्ढा रखते हुए मुरादाबाद के कैप्टन, नीचे से सैफ चौथा पे लड़ा रहे हैं, अभी भी पौन घंटे का टाइम है, अगर हवा आ जाए तो अभी भी लड़ सकती हैं पतंगे, देखते हैं अब की बार कौन काटेगा, चौथा पेज पूरा कर पाते हैं कि नहीं सैफ, पतंग को अंदर के मुड्ढे पे ऊंचा करते जाना है, थोड़ी सी पतंग भी बढ़े, धीरे धीरे पतंग को उतारते हुए कैप्टन मुरादाबाद के पतंग को ऊंचा करा, डोर फेंकी, फिर से दोबारा खींचा, डोर फेंकी अंदर के मुड्ढे पे रोके हुए हैं, और ये देखिए चक्कर जो थे कट गए, ढीली ढीली डोर कट गई, और चार पेज अपने पूरे कर लिए हैं सैफ ने इंटरनेशनल लखनऊ के लिए। तो ऊपर से नौमान, नीचे से सैफ अपना पांचवा पेड़ लड़ाते हुए पतंग को चमकाते हुए, निकलता मुड्ढा नौमान ने बनाया करीब करा, करीब करके रुका, सीधा गद्दा मारा, भागी तब खींचा ताकत से फिर से, और ये पेज काट के अपने पांच पेज पूरे कर लिए सैफ ने इंटरनेशनल लखनऊ के लिए। तो दिलशाद भाई लड़ा रहे हैं छठा पेज, रोकने की कोशिश करेंगे सुपरस्टार मुरादाबाद के लिए, और
नीचे से सैफ बने हुए हैं इंटरनेशनल लखनऊ, हवा बिल्कुल नहीं है, बस किसी तरह से पेज लड़ाए जा रहे हैं। सही की आवाज़ हो गई है। नीचे से जगह लेते हुए सैफ बीच में अपनी पतंग को बनाए हुए हैं दिलशाद भाई, धीरे धीरे मुड्ढा रखते हुए बीचों बीच में अपनी पतंग का मुड्ढा बनाया, थोड़ा सा चढ़ के अब की बार टेढ़ा कराने की कोशिश कर रहे हैं दिलशाद भाई। अंदर का मुड्ढा बनाया, उसी मुड्ढे पर ताकत बनाई, अंदर के मुड्ढे पर खींचते हुए सैफ रुके, पट पे झटके मारे, कोई काट काट नहीं हो रही, रेंज काफ़ी कम है, नीचे कराते जा रहे हैं और नीचे पेज आ गया। देख सकते हैं काफ़ी नीचे पेड़ों के ऊपर एकदम पेज लड़ रहा है पतंग की डोर निकालते हुए। दिलशाद भाई भी अपनी पतंग बनाए हुए हाथ की तरफ, सैफ पीछे की तरफ बढ़ते हुए टेढ़ा कराते जा रहे हैं। दिलशाद भाई रोकने की पूरी कोशिश है, छठे पेज पे अंदर की तरफ खींचा सैफ भाई ने, डोर फेंकी और ये दिलशाद भाई की पतंग कट गई। तो बढ़िया पेज अंदर की तरफ खींच के डोर फेंक के काट दिया और 6 पेज अपने पूरे कर लिए इंटरनेशनल लखनऊ के लिए। 5 पेज हुए हैं अभी सैफ भाई के और ये भाई आ गए हैं छठे पेज पे रोकने के लिए हाथ चलाते हुए सुपरस्टार मुरादाबाद के लिए। चलते हैं पेज पे, देखते हैं अब की बार कौन काटेगा। रेंज वही है 100-150 वाली, बस पेज लड़ा लिए आ रहे हैं, देखते हैं कब तक इस तरह से पतंग लड़ेगी। हवा नहीं है लेकिन परदेसी टीम है इसलिए शॉक कराया जा रहा है। लोकल टीमें जितनी भी ग्राउंड में थी सब बंद हो गई, सारे गेम बंद हो गए, सब चले गए। पेज सही हो गया, ऊपर से अपनी पतंग को चमकाते हुए सुपरस्टार मुरादाबाद के मेंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ करके टेढ़ा कराते जा रहे हैं। सैफ भाई दोनों एक दूसरे की तरफ हाफ की तरफ उतरते हुए निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, सैफ भाई ने भी ऊँचा करा, ऊँचा करके पट पे थोड़ा सा खाली कराया, अंदर के मुड्ढे पे पतंग उतारते हुए सल्लक अंदर की तरफ पहल करके उतारी, अंदर की तरफ सैफ भाई ने खींचा डोर फेंकी और ये पेज फिर से काट के अपने 6 पेज पूरे कर लिए हैं इंटरनेशनल लखनऊ के लिए। तो आशु आ गए 7वां पेज रोकने की कोशिश करेंगे सुपर स्टार मुरादाबाद के लिए सैफ भाई को। सैफ भाई का है 7वां पेज इंटरनेशनल लखनऊ के लिए। तो 7वां पेज आशु भाई लड़ा रहे हैं चरखी दिखाते हुए उनके क्लब के एक मेंबर, और पेड़ के पीछे हैं जगह बनाए हैं ऊपर की, हम भी पीछे आ जाते हैं क्योंकि रेंज ज़्यादा नहीं है, रेंज वही 150-200 वाली लड़ रही। ये रहे आशु भाई, पूरी कोशिश करेंगे 7वां पेज किसी तरह से सैफ भाई को काट सके। नीचे से सैफ भाई जगह लेते हुए और ऊपर से आशु भाई सुपरस्टार मुरादाबाद के मेंबर, सही की आवाज़ दी, पेज सही हो गया है, मुड्ढा रख के सही करने के लिए कहा है, पेज सही टेढ़ा करा के जगह लेते जा रहे हैं, अंदर के मुड्ढे पे ताकत से खींचते हुए और पीछे की तरफ बढ़ते हुए जल्दी जल्दी सैफ भाई एकदम नीचे ही खड़े हुए हैं, पतंग को बचाते हुए पीछे भाग रहे हैं, जगह लेते जा रहे हैं ऐसा ना हो किसी और पतंग से कट जाए। अंदर के मुड्ढे पतंग उतारते हुए पतंग जो और भी हैं वो भी अपनी पतंग को हटा रहे हैं, सैफ भाई पीछे बढ़ते जा रहे हैं, बाहर की तरफ पतंग को निकालते हुए सैफ भाई पतंग थोड़ी सी बढ़ है, जगह लेते जा रहे हैं और बाकी पतंगे भी हैं। 7वां पेज देखते हैं क्या होगा इस पेज पे, हवा होती तो बहुत मज़ेदार गेम लड़ता इंटरनेशनल लखनऊ वर्सेस सुपरस्टार मुरादाबाद के बीच में, हवा ना होने की वजह से बहुत कम पेज हो पाए। ऊपर से अंदर की तरफ जगह लेते आ रहे हैं सैफ, अपनी जगह पे एक ही रुके हुए हैं, सीधा गद्दा बनाया, ताकत से सैफ ने बाहर की तरफ खींचा और ये पेज सैफ ने काट दिया, सीधी पतंग ताकत से गद्दा मारा और ज़मीन तक चली गई। ये देखिए बच्चे ने पकड़ भी ली तुरंत, 7 पेज अपने सैफ ने पूरे कर लिए इंटरनेशनल लखनऊ के लिए। ऊपर से कैप्टन सुपरस्टार के और नीचे से उस्ताद ने पतंग ले ली सैफ अली, जिससे 7 काटे सैफ ने। चलते हैं पेज पे, ऊपर से धीरे धीरे अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए निकलता मुड्ढा बना रहे हैं, बीच में अपनी पतंग को लेके आए कैप्टन सुपरस्टार के, टेढ़ा करा के अपनी पतंग को ऊंचा ऊंचा चमकाते हुए अंदर की तरफ जगह ली उस्ताद ने, निकलता मुड्ढा बनाया, करीब करा, पेज सही चल रहा है, अंदर के मुड्ढे पे तेते झटके मारे, पट पे खींचा उस्ताद ने और खींच निकलता हुआ मुड्ढा फिर से बनाया, उस्ताद रोके हुए हैं रोके भाग तब जैसे ही खींचा और करीब करके गद्दा बना के डोर फेंकी थोड़ी सी और ये पेज काट दिया कैप्टन जाविर भाई ने सुपरस्टार मुरादाबाद के। ये खड़े हुए एक पेज काट लिया और फ्रेंड्स हवा नहीं लेकिन फिर भी पेड़ लड़ाया जा रहा है अच्छा। और ये देखिए बाकी टीम के मेंबर पतंग को तैयार कर रहे हैं, सैफ भाई लड़ाते हुए अपना ऊपर का पेज ताकत से खींचा और अब की बार सैफ भाई पेज कट गए। और इधर देखिए क्योंकि हवा नहीं है मन भी नहीं हो रहा उन्होंने, ये रहे नौशाद भाई हमारे गाड़ी के अंदर, ये रहे नौशाद भाई क्या बात है, सब लोग लड़ा रहे हैं, आप नहीं लड़ा रहे हैं? हवा नहीं लड़ाते, तेज हवा चाहिए, हाँ अच्छा फंसाने वाला है शौक, अच्छा मतलब हवाए मुरादाबाद के सलीम कुंडा जैसा फंसा के रख लिया हवा, आज कितनी दूर आदमी फंसाने तो हम लड़ा लेंगे और बाकी खींच पैर का होगा तो आप लोग लड़ा लीजिएगा। नौशाद कुछ मोहर ओहर कोई पतंग वतंग है आपकी? अच्छा नौशीबा आप ही की पतंग आती है, अच्छा नाम से ही है, अच्छा नाम है तो आपने नाम नंबर भी बता दीजिए हम कैप्टन साहब का नंबर आपका नंबर प्रोवाइड कर देना, कोई आपके क्लब से गेम करना चाहता है तो उस नंबर पे बात कर लेगा।
और पतंग के लिए भी बात करके नंबर बता दीजिए 99 97 72 40 80। तो ये नंबर है, गेम पूरा नहीं है, बस कुछ पेज हमने बनाए हैं। और ये हमारे नौशाद भाई थे जिन पतंग भी बनाते हैं मुरादाबाद में, और अभी भी लेकिन गेम लड़ा रहा है। साहब भाई ने अपने हाथ में दूसरी पतंग ले ली और उधर से एक पेज काट चुके हैं जाविर भाई, कैप्टन सुपरस्टार मुरादाबाद के। तो नीचे से जगह लेते हुए और सील की हवा आ गई है एकदम शाम के समय 5 बजे। नीचे से दूसरा पेल लड़ाते हुए ऊपर से सैफ के हाथ में फिर से पतंग ली, निकलता हूँ मुड्डा बना भाग दब खींचा है कैप्टन ने और फिर से ये पेज काट के 2 पेज ने पूरे कर लिए हैं मुरादाबाद के लिए। टिकट ले लूं और ऊपर से चांस मिल गई उस्ताद को, उस्ताद मुड्डा रखते हुए 2 बढ़िया पेज काट चुके हैं। धीरे धीरे अपनी भारी पतंग उतारते हुए उस्ताद भारी पतंग उतारा अंदर की तरफ, दिखाया जैसे ही ये पेज कट गए जाविर भाई, एक पेज पूरा कर लिया उस्ताद ने अपना इंटरनेशनल लखनऊ के लिए। और ये रहे नौशाद भाई की पतंग, ये उनकी मोहर है, नंबर भी देख सकते हैं नौशीबा के नाम से आती है, बढ़िया पतंग है। कुछ प्राइस वाइज भी डिस्क्लोज करना चाहते हैं नौशाद भाई? नहीं, डीलिंग कर लेंगे अपनी अपनी अलग अलग। 18 रुपए की देते हैं। अच्छा 18, देखिए 18 रुपए की कितनी बढ़िया पतंग है। बड़ा ढोल जो होता है वो 22 का। अच्छा गोल फर्मा भी बनाते हैं। अच्छा वो 22-25 के करीब करीब। तो ये फर्मा वैसे ही है जैसे एस एम ओ मोहिब जी का चलता है, नाजिम भाई जो भी कह लीजिए सफर में एक ही जैसे होते हैं, तो उस फर्मे पे है नौशाद भाई की पतंग। और लिखा पढ़ी करते हुए हमारे अदनान भाई, अदनान भाई क्या लिखा पड़ी में, क्या आज कौन आगे किसको 10 में 10 मिले हैं? इसको वही चल रहा है। हाँ अब गरीब रथ पे कौन सवार है? जाविर भाई। जाविर भाई ये देखिए जाविर भाई वापसी आ रहे, बहुत दूर गए थे लड़ाने के लिए कम हवा में लौट के आते हुए। तो जाविर भाई अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दीजिए, जाविर भाई का नंबर हमको प्रोवाइड कराते हैं, आप गेम तय कर सकते हैं सुपर स्टार मुरादाबाद से। क्या नंबर है जाविर भाई आपका? 9967 27 27। तो ये नंबर व्हाट्सएप पे भी चलाते हैं? व्हाट्सएप पे भी। तो ये टीम के मेंबर हैं सारे जिनसे हम आपको इंट्रोड्यूस करा चुके हैं और गेम तय कर सकते हैं। आज तो हवा नहीं है लेकिन फिर कभी जब बढ़िया गेम होगा हवा में फिर हम गेम कवर करेंगे सुपरस्टार मुरादाबाद का। एक बार फिर से ऊपर का पेल लड़ाते हुए आशु और नीचे से उस्ताद भारी पतंग, जगह लेते हुए उस्ताद काफी ज्यादा चढ़ा के ऊपर ही ऊपर अंदर ही जगह लेते जा रहे हैं। निकलता हूँ मुड्डा बनाया भारी पतंग पट पे खींची उस्ताद ने भी, निकलता हूँ मुड्डा ताकत से मारते हुए आशु और करीब करके रोका उस्ताद ने पतंग को उछक रहा, जिसको पेज आया अंदर के चक्कर लिए और आशु भाई ये पेज कट गए, 2 पेज पूरे कर लिए हैं उस्ताद ने अपने इंटरनेशनल लखनऊ के लिए। धीरे धीरे मुड्डा रखते हुए तीसरा पेज है उस्ताद का, उस्ताद आगा जी का इंटरनेशनल लखनऊ के लिए। ऊपर से दानिश, निकलता हूँ मुड्डा बनाया करीब कर रहे हैं धीरे धीरे लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं जा रहे हैं। उस्ताद ने थोड़ी सी पतंग को ऊंचा करा, निकलता हूँ मुड्डा फिर से बना रहे हैं लेकिन ऊपर ही ऊपर बीचों बीच में अपनी पतंग को चलाते हुए दानिश सुपरस्टार मुरादाबाद के लिए। उस्ताद टेढ़ा करा के और ज़्यादा अपनी पतंग को ऊंचा करते चले आ रहे हैं लगातार, दानिश अपनी पतंग को एक ही जगह पर रोके हुए हैं। निकलते ही पतंग बनाई उस्ताद ने ऊंचा करके डोर फेंकी, कोई जल्दबाजी नहीं। तीसरा पेज चल रहा है अभी, निकलता हूँ मुड्डा फिर से बनाया करीब करा फिर से निकलता हूँ बनाया डबल करने की कोशिश कर रहा हूँ, भागता उस्ताद ने फिर से खींचा एकदम कन्ने के पास से एकदम पेज फंसा रहा है ऐसा ना हो पतंग फट जाए, और सल्लक करने के पास से फंसाने की कोशिश फिर से करी लेकिन पतंग फिर से नहीं फंस पाई। 5:25 हो रहे हैं लेकिन दोनों ही टीमों से अभी भी लगातार 2-2 3-3 पतंगें बढ़ाई जा रही हैं। उस्ताद ने काफ़ी ऊंचा करके मुड्डा दिया, दानिश भाई ने थोड़ा करीब करा, निकलता हूँ मुड्डा फिर से बनाया उस्ताद चक्कर पे छोड़ रहे हैं, भारी दब ताकत से खींचा डबल करी दानिश ने अब की बार लेकिन कट गए। काफ़ी देर के बाद डबल तो कर पाए लेकिन काट नहीं पाए पेज, और 3 पेज अपने उस्ताद ने पूरे कर लिए हैं इंटरनेशनल लखनऊ के लिए। तो दिलशाद भाई अब आ रहे हैं, चौथा पेज रोकने की कोशिश करेंगे उस्ताद को और चरखी दिखाते हुए हमारे नौशाद भाई। तो ऊपर से मुड्ढा रखते जा रहे हैं, सही की आवाज़ दी पेज सही हो गया, काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा दे रहे हैं, थोड़ी सी पतंग बढ़ भी है उस्ताद की। निकलता मुड्ढा बनाया रुके दिलशाद भाई, काफ़ी एकदम खड़ी करके पतंग को ला रहे हैं उस्ताद अपनी, फटाव कम करते हुए दिलशाद भाई काफ़ी फटाव कम करते चले आ रहे हैं, एकदम डबल करते हुए पेल ला रहे हैं, फटाव बिल्कुल कम कर लिया है, देखते हैं क्या होगा। डबल करके फंसाने के मूड में फिर से हैं दिलशाद भाई भी सुपरस्टार मुरादाबाद के लिए, एकदम ऊपर से लड़ा रहे हैं भारी दफ़ खींचा उस्ताद ने डबल करी खींचते जा रहे हैं और ये पेज काट दिया, एक पेज अपना पूरा कर लिया दिलशाद ने सुपरस्टार मुरादाबाद के लिए। ये हमारे अदनान भाई देखिए लिखा पढ़ी कर रहे थे तो आपको आइडिया होगा अदनान भाई कितने पे लड़ गए? 52 भैया, बिन हवा में भी 52 पे लड़ाएगा इंटरनेशनल लखनऊ और सुपरस्टार मुरादाबाद के बीच में। सारी टीमें चली गई, अंधेरा हो गया लेकिन फिर भी कंटिन्यू शौक को करा गया। भैया को फोन करिए और टिकट की क्या अपडेट है जाबिर भाई? कुछ गेम का कुछ बता दिए, वैसे तो शौक को करा गया है
शौक तो भरपूर गया, हवा होती तो और ज्यादा मजा। तो टिकट की क्या मतलब है, कुछ कम ज्यादा क्या रहा? 13 टिकट जी। और ये हमारे त्रिपाठी जी, जी त्रिपाठी जी की टिकट की क्या अपडेट है? जिशान भाई इतनी समय 12 टिकट जो है इंटरनेशनल के पास है। अच्छा 12 टिकट है। गेम को यहाँ पे एंड कर दिया गया और 12 टिकट एक सत्य के साथ आज का गेम इंटरनेशनल लखनऊ। और गेम क्या है, शौक कहिए, सुपर स्टार से जीता है। और उस्ताद क्या कहेंगे, शौक करा गया गेम करा गया? गेम शौक दोनों ही हो गया, दोनों ही हो गया, लड़ गए बिन हमें बहुत पे लड़ा लिए गए। चलिए तो ये गेम था आज। हवा होती तो ये 150 पे लड़ते, हवा होती तो और ज्यादा पे लड़ जाते, हो सकता है इससे भी ऊपर 200 हो जाते। काफी मेंबर थे, बढ़िया शौक होता लेकिन हवा नहीं हो पाई। भाई लोग बहुत उत्साह से लड़ाई, पता नहीं थोड़ा मौसम भी गड़बड़ है, मौसम भी गड़बड़ रहा, हवा भी आई नहीं, शाम हो गई लेकिन हवा नहीं आई, वैसी हवा नहीं आई। तो ये गेम था, बढ़िया गेम, बड़ा इंटरनेशनल लखनऊ और सुपरस्टार मुरादाबाद के बीच में।